हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमास किचन एंड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ भेल की रेसिपी लेके आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मेजरमेंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाइनीज़ भेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले नूडल्स चाहिए, जिन्हें मैंने पहले से ही बॉयल कर रखा है। अब इनको फ्राई करेंगे। नूडल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होने के बाद थोड़े थोड़े करके नूडल्स को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट्स नूडल्स को फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट में नूडल्स का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। नूडल्स के फ्राई होने पर इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से सारे नूडल्स को फ्राई करेंगे। नूडल्स के फ्राई होने के बाद अब इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम चाइनीज भेल के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको कच्ची सब्जियां पसंद है तो आप इनको बिना फ्राई किए सीधा भी बना सकते हैं। सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें बारीक कटी लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इनको हल्का फ्राई करेंगे। अब शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज डालेंगे और इनको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट फ्राई होने के बाद अब इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है सेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, नमक। नमक कम डालना है क्योंकि सॉसेज में ऑलरेडी नमक होता है। काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इनको मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्राई किए हुए नूडल्स को क्रश कर लेंगे। सॉस के ठंडा होने के बाद फ्राई किए हुए नूडल्स को डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल बनकर तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।